इसका बता दो कि इसके कंपैरिजन में इसमें क्या अच्छा लगता है ग्रैंड विटारा में? इसमें सोचना पड़ रहा है। कैसी पावर लग रही है? नब्बे चलेगी, चढ़ गई गाड़ी, अलग ही पावर आ रही है। सॉफ्ट 96 थी, 96 से पता भी नहीं चला एक्चुअली। इसमें गियर शिफ्टिंग बिल्कुल नहीं पता चल रही, बिल्कुल भी नहीं। एंड अगर आप इसको चलाने के बाद अभी चलाओगे तो क्या फील आएगी? फिर पसंद नहीं आएगा आपको ना चलाने में, इसको बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। तो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल दक्ष अग्निहोत्री पे। मेरा नाम है दक्ष और आज मैं रखूंगा अपना पक्ष। दोस्तों आज आपके लिए लेकर आए हैं सेम सेगमेंट की गाड़ियां, टाइगुन जीटी प्लस 1.5 डीएसजी, जो कि आपको आज की डेट में ऑन रोड लगभग 21 लाख रुपए की मिलेगी एंड पैकेजेस वगैरह मिला के 21.5 से 22 लाख रुपए के आसपास की मिलेगी। एंड ये अगर हम बात करें ग्रैंड विटारा हाइब्रिड वेरिएंट जो है, ये टॉप एंड वेरिएंट है ये स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में, जो कि आपको ऑन रोड दिल्ली के अंदर लगभग 22.5 से 22 लाख रुपए का मिलेगा। इसका ओनरशिप रिव्यू भी जो है चैनल पर डाला हुआ है, आप लोगों ने बहुत पसंद करा, अगर नहीं देखा तो अभी जाके जरूर देख के आइए। तो मैं आपको बता दूँ दोनों वेरियंट एकदम टॉप एंड वेरियंट है। ये देखो ये जीटी प्लस और ये जैसा कि मैंने बताया ये दोनों टॉप एंड वेरियंट है। प्राइस भी मैं कहूँगा 19-20 का फर्क है, कहाँ 22 लाख 21.5 लाख, कहाँ मतलब 70-80 हज़ार का फर्क है। लुक्स आप देखो दोनों गाड़ियों के, मुझे बताओ भाई पर्सनली मुझे तो ये गाड़ी इतनी सुंदर लग रही है ना मैं बता नहीं सकता, स्पोर्ट्स कार वाली फीलिंग दे रही है। एंड ओनर ने जो है ना ये मैट करा रखी है, तो लुक्स तो खैर सब्जेक्टिव होती है, आप मुझे बताओ आपको क्या पसंद आ रहा है। मुझे तो भाई ये बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है, हालांकि मुझे अलॉय व्हील्स जो है टाइगुन के ज़्यादा पसंद है, थोड़े स्पोर्टी साइड में लगते हैं। ये देखो ये काफ़ी स्पोर्टी अलॉय व्हील्स लगते हैं इसके रेड कैलिपर के साथ, इसके सिंपल से हैं बाकी। खैर ये लोग ये तो आप कमेंट करके मुझे बताओ, गाड़ी के डायमेंशन देख सकते हैं आप, बैक से लुक साइड से लुक, आपको क्या अच्छी कौन सी अच्छी लग रही है मेरे को? देखो आफ्टर लेग जनरल बताना, तेरी मेरी गाड़ी वाला हिसाब नहीं है मेरे को लुक्स के मामले में, आफ्टर जब मैंने उसको इसमें मैट कराई है तो मुझे ये ज़्यादा सुंदर लग रही है। हाँ ये तो है, लेकिन अगर मैं इसका ओरिजिनल कलर की बात करूँ ना, ओरिजिनल कलर में जाओ तो सुंदर लग रही है। देखो ये था इसका ओरिजिनल कलर। तो बड़ी कौन सी लग रही है रोड प्रेजेंस आपके हिसाब से? अगर कोई गाड़ी सड़क पे चलेगी तो कौन सी पब्लिक किसको ज़्यादा देखेगी? मेरे को जानता लगता है इसको देखेगी। देखो इसके इसको देखने का एक तो ये रीज़न है कि मैट वैसे ही सबसे अलग लगती है, वाइट गाड़ी को तो कोई नहीं देखता, ये एक अलग ही इसकी प्रेजेंस आती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में देखो मैंने तो ये गाड़ी चला रखी है, सर ने आज जो आज की वीडियो में जो है सर एज अ ग्रैंड विटारा ओनर मेरी टाइगुन चलाएंगे जीटी प्लस 1.5 सेम सेगमेंट की गाड़ी है, क्योंकि बिकॉज अगर आप इस सेगमेंट में गाड़ी प्लान कर रहे हो तो ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प रहेगी करेगी कि आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, कौन सी गाड़ी में आपको क्या मिलेगा। आप ये गाड़ी कितनी चला चुके हैं सर ग्रैंड विटारा? मैं 6500 समथिंग कुछ चला चुका हूं। लगभग आपने ही चलाई है? हाँ सारी। तो दोस्तों इन्होंने 6500 किलोमीटर की गाड़ी चलाई है एंड अब 6500 किलोमीटर के एक्सपीरियंस के बाद जब ये टाइगुन पे बैठेंगे, टाइगुन के शेयरिंग पे बैठेंगे, ये चलाएंगे, तो आई डोंट थिंक इनसे ज़्यादा फ़र्क कोई बता पाएगा कि गाड़ियों में क्या फ़र्क है। स्पेस कंपेयर करते हैं कि कौन सी गाड़ी में भाई कितना मसाला मिल रहा है, आपके परिवार आपके दोस्त यार कौन सी गाड़ी में कम्फर्टेबली बैठ पाएंगे। ये टाइगुन का स्पेस है, ये है ग्रैंड विटारा का स्पेस, इसमें मेरे ख्याल आ जाएंगे 5 लोग। इसका दरवाज़ा काफ़ी हल्का लगा मुझे सर, फिर बंद कराना तो ऐसा लगा कि कुछ टूट ना जाए। तो ये है भाई जो मेजर फ़र्क फील हो रहा है वो बिल्ड क्वालिटी का फील हो रहा है, आपको भी हो रहा है एक बारी देखो, बहुत हैवी है, बिल्ड क्वालिटी का काफ़ी बड़ा फर्क लग रहा है, जर्क आता है टायर्स को उसमें गेट पे उससे पता चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों अगर हम स्पेस की बात करें तो देखो इसमें 5 लोग नहीं बैठ पाते कम्फर्टेबली, अगर आप फैमिली पर्पज से ले रहे हो इसमें 5 लोग आ जाते हैं, जैसे सर ने भी ओनरशिप में बताया था अपने कि हम 5 लोग ही जाते हैं, ट्रैवल करते हैं जब भी जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है ना। तो क्या हुआ क्या कर रहे हो? अरे वो बाहर आ गया था ना। अच्छा तो अब चलते हैं गाड़ी के अंदर, आपको और दिखाते हैं। आओ सर टाइगुन में, आप ड्राइविंग सीट से आओ सर, उससे आओ सर। क्या फर्स्ट इंप्रेशन है गाड़ी के? फीलिंग इंटीरियर तो बहुत लग्जरियस है ना इसका, उसके कंपैरिजन चाहे बिल्ट-इन क्वालिटीज देखो आप, और जहाँ तक मुझे लगता है इसमें फीचर्स भी बहुत ज़्यादा हैं कार में। इसमें बस क्या वेंटिलेटेड सीट्स नहीं आती, क्योंकि इसकी अगर आप सीट देखो ना ये आधी फैब्रिक है आधी लेदर राइट है। ये देखो जी जैसे ये देखो ना इसकी सीट की फिनिशिंग जो है, लेकिन आपको सीट का कंफर्ट कैसा लग रहा है ओवरऑल? नहीं सीट बहुत अच्छा है कंफर्ट, हाँ बट ये है कि उससे तो बहुत ज़्यादा लग्जरियस है। इसके यहाँ से इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आप ऐसे चेंज कर सकते हैं। मैं कह रहा हूँ इसमें फीचर्स वाइज बहुत ज़्यादा फीचर्स हैं उसके अकॉर्डिंगली। अब ये देखो इसका सनरूफ की जो मैं बात कर रहा था, एक बार इसका गत्ता छू के देखो कितना मोटा गत्ता है इसका गत्ता, अच्छा मतलब वही कह लो ना ये यहाँ से ज्यादा अच्छी है, ऊपर से थोड़ा इसमें छोटी है और उसका थोड़ा अलग है हिसाब किताब। फर्स्ट इंप्रेशन क्या लग रहे हैं? फर्स्ट इंप्रेशन मुझे यही है कि
लग रहा है कि हाँ अभी एक स्ट्रॉन्ग कार में आप बैठे हुए ना। देखो इसका कैसा लग रहा है इंफोटेनमेंट इसका, जैसे ही टच में अगर आप फील की बात करो तो बस माइलेज मत देखना। हाँ बहुत स्मूथ है। एसी कैसा लग रहा है इसका, जैसे अगर मैं अभी ऑटो पे कर दूँ 22 कर रखा है इस समय मैंने। एसी का फ्लो वगैरह कूलिंग कैसी लग रही है? बढ़िया, बट मेरे को एसी सही बताऊँ दोनों का लगभग सेम ही लगा। तो सर अब बेल्ट लगाते हैं, अब चलते हैं मेन राइट की तरफ, रिवर्स पे निकालते हैं। पहले यहाँ से कैमरा क्वालिटी कैसी लगी? कैमरा क्वालिटी इज लाइक नॉट सो गुड बट ओके है, काम चला देती है उसका भी ऐसा ही है वैसे। सही बताओ तो बढ़िया है सस्पेंशन, मतलब इसके ना थोड़े सस्पेंशन स्टिफ हैं, इसके थोड़े स्टिफ है। मेरे को विटारा के ज्यादा अच्छे लगे उसके, बहुत उसके कंफर्ट ओरिएंटेड है। हाँ। क्योंकि वो ये है परफॉर्मेंस वाली गाड़ी, वो है कंफर्ट वाली गाड़ी, तो उस हिसाब से ट्यूनिंग हो रहा है। गियर शिफ्टिंग वगैरह कैसी लग रही है? इसे गियर शिफ्टिंग पता नहीं चल रहा है, D4 पे कब आई मुझे पता नहीं चला, अब D5 आ गया तो ये तो बिल्कुल भी नहीं पता। अरे इसमें इंडिकेटर उल्टे मिलते हैं यार, ये तो मैं बताना भूल गया। स्टीयरिंग फीडबैक, स्टीयरिंग कैसा लग रहा है इसका घुमाने वगैरह में? स्टीयरिंग तो बहुत स्मूथ है मक्खन बिल्कुल यार। ये सड़क मुझे बहुत प्यारी लगती है, यहाँ पे हम इसकी पावर भी चेक कर सकते हैं। थोड़ा आप इसे चला लो, मैं बीच में डालता हूँ। अब मैंने स्पोर्ट्स मोड में डाल दिया, थोड़ी रेस दो। ये अच्छा स्पोर्ट्स में भी गियर दिखा रहा है, रेस करो। कैसी पावर लग रही है? पावर बढ़िया लग रही है ना, सही बताऊं तो मजा आ रहा है। 90 चली गई, चढ़ गई गाड़ी? हाँ 90 तक पहुंच गई थी। गियर शिफ्टिंग पता लग रही है? पांचवा गियर लगा हुआ है। अब जरा देखो तीसरा गियर डाल दिया, खींचो। ये चौथा डाल दिया मैंने, ये मैंने डी मोड डाल दिया। ब्रेकिंग स्ट्रेस करो यहाँ पे थोड़ी सी। कंट्रोल में कैसी, कंट्रोल कैसा लग रहा है? अरे बहुत बढ़िया है कंट्रोल वाइज गाड़ी ना, मतलब ऐसा है कि आप इसको चला के मतलब ऐसा 100 तक पहुँच जाओगे और साथ में भी बैठोगे उसको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी गाड़ी 100 पे है। उसके कंपैरिजन में कैसी लग रही है चला के, ड्राइविंग फील की अगर हम बात करें? जैसे अभी ड्राइविंग फील इसकी बहुत अच्छी है, थोड़ा टर्न आएगा तो मतलब बॉडी रोल वगैरह कैसा लग रहा है? इसकी ड्राइविंग फील बहुत अच्छी है, स्टीयरिंग की ग्रिप और स्टीयरिंग पकड़ते हुए मुझे लग रहा है कि हाँ भी कॉन्फिडेंस दे रहा है स्टीयरिंग हाई स्पीड पे जाते जाते। है कि 100 पे 96 में अगर वो गाड़ी पहुंची है तो आपको पता चलता है कि एक्चुअली में वो 96 या अबव 80 टच कर रही है। इसमें फील होता है? इसमें फील नहीं होता। गियर शिफ्टिंग जैसे देखो अभी तीसरा गियर लग गया, इसमें गियर शिफ्टिंग बिल्कुल नहीं पता चल रही, बिल्कुल भी नहीं। और अगर आपने म्यूजिक सिस्टम ऑन कर लिया, मतलब अभी जैसे है कि थोड़ा सा एक आता है क्लिक नहीं कह सकते आप उसको, थोड़ा साउंड में अगर आप नोटिस करोगे तो तुमको थोड़ा सा दिखेगा कि टर्बो फील इसमें 2-3 हज़ार आरपीएम के बाद थोड़ा सा इसमें शोर आना शुरू होता है। अगर आपने सिस्टम ऑन कर रखा है या म्यूजिक चल रहा है तो फिर तो आप बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगा सकते। मारुति वाले अपना हॉर्न कब बदलेंगे और एक गाड़ी की चाबी कब बदलेंगे? हॉर्न तो इसमें भी लस्सी था, हमने लगवाया कंपनी से ही। बताओ ये मेरे को भी गाड़ी का अपना हॉर्न चेंज कराना है। इसका तो हॉर्न स्कूटर वाला था, मतलब मर जाता था हॉर्न, उसे थोड़ा सा दबाओ ना, बंदा सीरियसली नहीं लेता था गाड़ी को। ये कहां से लगवाया? कंपनी से ही, सर्विस सेंटर से। ये मारुति वाले पास होगा भी ऐसा? मारुति का तो यार चप्पे चप्पे पे सामान मिल जाता है, मारुति का इंजन बंदवा लो लोकल मैकेनिक से। ये देखो स्टीयरिंग कितना स्मूथ है, विटारा का थोड़ा ऐसे हैवी है। स्टीयरिंग का फीडबैक कैसा लग रहा है आपको? नहीं स्टीयरिंग बहुत इसका स्मूथ है, जैसा कि मैं यहाँ पे स्पोर्ट्स मोड मैंने डाल दिया, अब आप थोड़ा रेस करने की कोशिश करो। ये है कि अपना जैसे इसमें बटन वगैरह भी लगे हैं और स्टीयरिंग में थोड़ा प्रीमियम लग रहा है, टर्बो की पावर फील हो रही है। Exactly. गाड़ी कॉन्फिडेंस दे रही है ऐसा लग रहा है यार, घबरा गया मैं तो कि बॉडी रोल आ रहा है या कुछ थोड़ा बहुत जो। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अब देखो पावर है तो माइलेज कहाँ ही होगी। सही बताऊँ अभी डी मोड है, डी मोड पे देखो कैसी पावर आ रही है, कोई स्पोर्ट्स नहीं, कोई मैनुअल नहीं, क्योंकि ये पता है क्या है, इसकी पावर भी बहुत अच्छी है। और उस गाड़ी में ये है कि उस गाड़ी में अगर आप रेस देते हो ना और आप अगर आप 80 तक टच कर रहे हो या 90 तक टच कर रहे हो तो आपको इसलिए भी पता चला कि उसमें साउंड है। हाँ क्योंकि इंजन थोड़ा वोकल हो जाता है। आपके हिसाब से कस्टमर को इस सेगमेंट में कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, पावर या माइलेज? क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं सेफ्टी भी मिलती है, 5-star गाड़ी आपको पता ही होगा। आप देखो आप पावर लेनी चाहिए अगर उनकी मतलब रिक्वायरमेंट ये है कि आप ही कि उनको फंड ड्रिवन कार चाहिए, क्योंकि देखो हाईवे पे तो हाईवे पे सारी गाड़ियां माइलेज दे देती हैं, सिटी रनिंग उनकी कम है हाईवे पे। ये देखो इस गाड़ी का माइका भी आ गया, वो देखो इंडियन ऑयल, मेरी तो दोस्ती हो गई पेट्रोल पंप वालों से। लेकिन देखो क्या है हाईवे पे तो सारी गाड़ियां माइलेज देती हैं, चाहे बलिनो हो चाहे कोई भी गाड़ी हो, अगर आप 80-90 पे क्रूज करके चला रहे हो हर गाड़ी माइलेज देगी। मैंने गाड़ी सिटी में माइलेज नहीं देती जैसे लोकल हम चला रहे हैं, यहाँ पे ग्रैंड विटारा हाई राइडर का हाइब्रिड वेरियंट जीत जाता है, वो लोकल में माइलेज देता है, वो अच्छी खासी है एवरेज आपकी निकाल के देगा। पेडल शिफ्टर से गियर डाउन करा आप देखो, आगे सड़क खराब है। ब्रेक्स कैसी लगी? उसके कंपैरिजन में ब्रेक्स कैसी लगी इसकी? लेकिन देखो ब्रेक्स का मैं आपको बताऊं क्या है, अगर
जैसे अगर मैं उसकी और इसकी ब्रेक्स कंपेयर करूँ ना, तो इसमें कंपेरेटिवली पावर भी ज्यादा है। हाँ ये भी है, पावर भी ज्यादा हिसाब से अगर आप इस इतनी ब्रेक अप्लाई कर रहे हो तो हाँ, उसमें अगर ब्रेक अच्छी है उसकी पावर कहीं ना कहीं कम है, वो बात आ जाती है। मैं कह तो रहा हूँ अगर उसमें साउंड है तो हर चीज नोटिस में आती है। सही बात है, इंजन थोड़ा वोकल लगता है। अगर आपको उसमें हाईवे पे तो ये आराम से 18-19 की माइलेज दे देती है अगर आप तमीज से चलाओ, लेकिन इस गाड़ी से हम बंदा कहता है यार पहाड़ में गई माइलेज, इसमें माइलेज चलाते हुए तो फिर ये होता है कि हाँ भी बस चलाओ और अपना एंजॉय करो, है ना। अच्छा साइलेंट कितना लग रहा है कैबिन एज कम्पेयर टू ग्रैंड विटारा अगर हम बात करें? बहुत साइलेंट है, बहुत साइलेंट। बाहर की आवाज नहीं आ रही है कि 70-80% का एक फर्क कह सकते हो आप ना, उसमें तो बहुत साउंड है गाड़ी में। अच्छा NBH आपको इसके ज्यादा अच्छे लग रहे हैं थोड़ा। ये गाड़ी भी अच्छी माइलेज दे रही होती है, खैर अच्छी तो है, लोकल में इसकी नहीं है। जैसे मान लो अगर आपकी 18 दे रही है, 14-15 भी दे रही होती है, तो आप कौन सी चूज करते हैं फिर? तो ऑब्वियसली मैं यहाँ से राइट ही ले लो, राइट ले लो। तो दोस्तों अभी सर ने जो है एज अ ग्रैंड विटारा ओनर ये 6,500 चला चुका है इन्होंने, इसके बाद ये गाड़ी चलाई, तो सर आपको अपने इंप्रेशन बताएंगे इनको क्या लगा। ये मतलब लगा लो कि सेम रेट की गाड़ियां हैं, मतलब ये बहुत ज्यादा प्रीमियम है इसके अकॉर्डिंगली, और चलाने में भी बहुत कंफर्ट है, और स्टीयरिंग फील भी बहुत अच्छा है इसका, स्टीयरिंग भी बहुत प्रीमियम है इसका, और पिकअप वाइज भी, और बिल्कुल साउंड नहीं है, रिफाइंड लगा, बहुत रिफाइंड है वो तो। हाँ। चार सिलेंडर भी है एक तो ये, हाँ रिफाइंड बहुत है अभी तो, जब चलाने में अभी तो, जबकि इसमें इंसुलेशन का वो एक बोनट पे कपड़ा नहीं लगा था काले रंग का, वो भी नहीं लगा हुआ इसमें, बताओ वो लगा हुआ था इसमें, अगर वो लगा था तो कहीं ना कहीं और जो है आवाज इसमें तो लगा हुआ, उसके बाद भी बहुत साउंड है इस गाड़ी में ना। अच्छा गियर बॉक्स गियर शिफ्टिंग में आपको क्या फर्क फील हुआ इसमें? इसके आप देखो अगर आप इसको गियर डालोगे कुछ भी करोगे तो इसके गियर में एक होता है टक टक करके आवाज आती है, मतलब गियर शिफ्टिंग फील होती है। हाँ इसमें अगर आप करते हो इसमें तो बिल्कुल नहीं पता चलेगा आपको कि गियर शिफ्ट हो रहा है कुछ भी, तो मेरे को ये है कि चलाने में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी है कार। इसमें कौन सी अच्छी चीज़ें लगी और इसमें कौन सी अच्छी चीज़ें लगी? इसका तो खैर आपने बताया दिया, अब इसका बता दो कि इसके कंपैरिजन में इसमें क्या अच्छा लगता है ग्रैंड विटारा में? इसमें सोचना पड़ रहा है, हाँ, सोचना ही पड़ रहा है। अगर मैं आपको बताऊँ ना एज एन ओनर इसका, एंड मैंने ये भी चला रखी है, तो मुझे लगता है इसमें बस माइलेज अच्छी है कि लोकल के अंदर, क्योंकि देखो हाईवे पे तो सारी गाड़ियाँ देती हैं जैसे मैंने बताया, बस माइलेज का फर्क है और कुछ नहीं, मतलब इतना कुछ नहीं है, बस माइलेज आपको अच्छी मिलेगी। और ये चलने के बाद अगर आप कोई और चलाओगे तो आपको होगा कि यार, एंड अगर आप इसको चलाने के बाद अभी चलाओगे तो क्या फील आएगी? फिर पसंद नहीं आएगा आपको ना चलाने में, इसको बिल्कुल पसंद नहीं आएगी बिल्कुल नहीं। चलाते हुए तो बिल्कुल ऐसा लगेगा कि यार ठीक है नॉर्मल है, फिर आपको फील होगा कि हाँ भी कि एक प्रीमियम कार अगर लेते हो तो फिर कितना मज़ा आता है ना, वही बात ओवर प्रीमियम। तो किसी को अगर सजेस्ट करनी हो 22 लाख रुपए में तो ये या फिर ये, चॉइस के ऊपर है, अगर आपको पावरफुल चाहिए फन ड्रिवन चाहिए कंफर्टेबल चाहिए तो ये, और खाली एक गुड माइलेज कार चाहिए तो ये। अच्छा हाँ दोस्तों देखो कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी मोस्टली रन हाईवे पे है ना, तो मेरे हिसाब से आपको टाइगून लेनी चाहिए, बिकॉज हाईवे पे आपको सेफ्टी भी देती है, इंजन पावर भी देती है, ओवरटेक करने में ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहेगा। लेकिन अगर आपकी मोस्टली ड्राइव सिटी में या लोकल में अपने एरिया में, तो भाई ग्रैंड विटारा को कोई बीट नहीं कर सकता, बिकॉज ये गाड़ी तो आपको माइलेज के पर्पज से रुला देगी अगर आप एकदम लोकल की बात करो। बाकी अगर आपका हाईवे का रन ज़्यादा है तो मेरे ख्याल से ग्रैंड विटारा फिर शायद आपको नहीं लेनी चाहिए, बिकॉज हाईवे पर तो सारी गाड़ियाँ माइलेज देंगी आपको, तो आप किसी भी और अदर कार के लिए आप जा सकते हो। तो यही है सिटी के लिए ये, लेकिन कहीं ना कहीं एक ये सवाल भी आता है यार, अगर शहर में मुझे लोकली चलानी है तो मैं 22 लाख रुपए की गाड़ी लूँ, मैं स्विफ्ट भी तो ले सकता हूँ या मैं ले सकते हो, बट वही है कि अगर आपको है कि थोड़ी साथ साथ लग्जरियस भी हो चलाने में, और थोड़ा चलाते हुए आपको हो कि यहाँ भी लोग देखें और वो पसंद करें, तो फिर भोकाल भी टाइट हो मैट भी करा लो लोग भी देखें, तो यही है, मैंने इसलिए भी ये चीज़ कराई है। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो, ग्रैंड विटारा टॉप मॉडल हाइब्रिड टाइगून टॉप मॉडल GT प्लस 1.5 का कंपैरिजन वीडियो छोटा सा, जिसमें सर ने जो है ये गाड़ी चलाई, एंड मैंने तो ये चला रखी, मैंने भी अपने व्यूज़ आपको बता दिए। अब आपको कौन सी गाड़ी लेनी है भाई ये आपके ऊपर है, आपको परफॉर्मेंस चाहिए पावर चाहिए सेफ्टी चाहिए या फिर माइलेज चाहिए, ये आपके ऊपर है, लुक्स भी मैटर करते हैं सब्जेक्टिव भी होते हैं। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, मैं आपके लिए ऐसा बहुत सारा कंटेंट लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच।